के समय में सोशल मीडिया लोगों से जुड़ने और उनसे संवाद करने का एक शानदार मंच है। पता नहीं गलती से या चाहकर भी कभी कभी हम लोगों के पास कुछ ऐसे युवा नेताओं की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जिनकी फ्रेंड लिस्ट में 4,900 से ऊपर फ्रेंड होते हैं, 2,500-7,000 फॉलोअर होते हैं। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले उनके प्रोफाइल देखे तो पता चलता है इनके विचार कैसे है, क्या सोचते हैं, कैसा नजरिया है। लेकिन अफसोस, अधिकतर जगह निराशा ही मिलती है। मुश्किल से कोई एकाध मिला होगा जो राजनीति में भविष्य देख रहा है और बुनियादी मुद्दों पर अपने विचार यहाँ इस मंच पर रखता हो। अधिकतर की प्रोफाइल पर आलानी फलानी जगहों पर आने जाने की या बड़े नेताओं की लांग जूती चप्पल उठाने या उनके लिए दरी पट्टियां बिछाने या माला पहनाकर स्वागत वाली फोटोग्राफी के सिवाय कुछ नहीं मिलता। उन फोटो पर भी उनके फॉलोअर्स और दोस्तों के कॉमन कमेंट, जय हो, नाइस पिक, बहुत बढ़िया के अलावा कुछ नहीं मिलता। उनका कोई शुभचिंतक शायद ही कभी उनको बोलता है कि भाई ये फोटोग्राफी मॉडलिंग से आगे बढ़कर विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखो या विचार रखेंगे, उस पर विमर्श होगा तो आपके समझ और सोच का दायरा विस्तृत होता जाएगा। आज के समय में सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है जो अब जमीनी मंच के समानांतर महत्व रखता है। इसलिए मुझे लगता है उन सभी छोटे बड़े भाइयों जो राजनीति में भविष्य बनाने के इच्छुक है, उनको अब फोटो मॉडलिंग से बाहर निकलकर हमारे बुनियादी मुद्दों जैसी खेती बाड़ी, पशुपालन, शिक्षा व्यवस्था, रोजगार पर विमर्श शुरू करना चाहिए, ताकि आपसे जुड़े हुए लोग आपको अच्छे से जान पाए। राजनीति में धारणाओं का अपना एक स्थान है। जब आप लिखना शुरू करेंगे, आप बोलना शुरू करेंगे, आप अपने विचार रखना शुरू करेंगे तो लोग आपके धारणाएं बनाने शुरू करेंगे। ये धारणाएं आपके भविष्य को एक नई दिशा दे सकती है। माने तो आपकी मर्जी, न माने तो जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा।